क्योंकि तुम उससे नफरत करती थी। अरे आपने उसको ये नहीं कहा था कि मैं तेरे से तंग आ गई हूँ, मैं तेरा गला दबा दूंगी। मेरी फिंगरप्रिंट। बढ़िया। यस मैम, सुष्मिता का खूनी मिला? नहीं। पर उसकी भाभी? वो खूनी नहीं है। कहीं उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली? कोई भी वजह हो सकती है, वो अपनी जिंदगी में परेशान हो सकती है कहीं। आप मेरे पे शक कर रहे हैं? क्यों नहीं, उसके और तुम्हारे रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं थे, तुमने उसको बहुत परेशान कर रखा था। और आपने उसको मारने की धमकी भी दी थी, अगर मेरी माँ खूनी निकली तो दुनिया वाले मेरे माथे पे लिख देंगे कि मेरी माँ खूनी है। अब मैं क्या करूं? देखिए आप मेरे पे ना बेफालतू में कोई शक मत करो। हाँ, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो सुष्मिता के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा कि तुमने उसको मारा है या नहीं। सब इंस्पेक्टर नान्या, तुम जाओ सुष्मिता के कमरे की तलाशी लो, हो सकता है हमें कोई सुसाइड नोट मिल जाए, अगर उसने सुसाइड करी है तो। यस सर। ये किसकी डायरी है? सुष्मिता की होगी। हाँ, मैंने कई बार देखा है सुष्मिता दीदी को डायरी लिखते हुए। सर, उसने अपनी मौत से 3 दिन पहले अपनी डायरी में कुछ नहीं लिखा। और पीछे देखो अनन्या, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये सुष्मिता की डेथ से 1 हफ्ते पहले की बात है। आज भाभी ने मुझे बहुत डांटा, मुझसे उनका कीमती ग्लास टूट गया था। मैंने भाभी से बहुत माफी मांगी, मैंने जान पूछ कर ग्लास नहीं तोड़ा था। यह सुष्मिता की मौत से 6 दिन पहले की बात है। आज मैंने भाभी को फोन पे बात करते सुना, वो कह रही थी कि वो मुझसे बहुत परेशान है, उनका मन करता है कि वो मेरा गला दबा दे। यही रीजन है कि हमारा शक तुम पर बार बार जा रहा है। जो मर्जी कर लो, ये सारा शक गलत ही होने वाला है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सब इंस्पेक्टर नान्या, तुम डायरी के आगे के पन्ने पढ़ो, जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। सर, मेरे को ना भूख लग गई है, आप आगे की डायरी पढ़ो। सर, तो मैं कुछ खा कर आई। ये सुष्मिता की डेथ से 5 दिन पहले का है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं, बस इतना ही है। पर इससे कुछ साबित थोड़ी ना होता है। अगला लेटर पढ़ो, उससे शायद से कुछ साबित हो जाए। ये सुष्मिता की डेथ से 4 दिन पहले का है और ये आखिरी लेटर है। आज वो फिर आया था, उसने मुझसे फिर से पैसे मांगे। मैं पहले ही उसको 50,000 रुपए दे चुकी हूं। इसका मतलब उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा था। कौन हो सकता है? इसमें सुष्मिता ने किसी का नाम भी तो नहीं लिखा। पुनीत जी, क्या आपको कोई आइडिया है कौन हो सकता है? नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है इसी ब्लैकमेल की वजह से सुष्मिता ने आत्महत्या कर ली हो। हाँ, हो सकता है, पर हमें पता कैसे चलेगा ये है कौन? ये तो आपको पता होना चाहिए था ना, वो आपके घर पे काम करती थी। अरे घर पे काम करती थी, पर मैंने उसकी पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं किया।
हेलो, हाँ जी, ओके ओके ठीक है। पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि सुष्मिता की बॉडी पर जो मार्क्स मिले हैं वो आत्महत्या के नहीं है, किसी ने उसका गला दबाकर खून किया है। और उसका खून किया है इस ब्लैकमेलर ने, जिसने सुष्मिता ने अपनी डायरी में लिखा है। मैंने तो कहा ही था कि इस खूनी की इन्फॉर्मेशन आखिरी पेज पे मिलेगी सुष्मिता की डायरी से। सर वो तो मैंने कहा था ना। अरे अच्छा बाबा, वो सब छोड़ो, अब इस खूनी का पता लगाना है। यस सर, अगर मैंने इस खूनी का पता लगा लिया तो आप मेरा प्रमोशन करा दोगे? अरे बाबा पहले पता तो लगाओ। हाँ जी सर। सर सुष्मिता के पापा को फोन करो। अच्छा मैं करती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। क्या आप पुलिस को आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? जी क्या मतलब? आपकी बेटी को कोई ब्लैकमेल कर रहा था, आपको उसके बारे में पता था क्या? जी हाँ मुझे पता है, वो आदमी पिछले 6 महीनों से सुष्मिता को ब्लैकमेल कर रहा था। मेरी बेटी बहुत परेशान थी। तो आपने बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा अपने परिवार की इज्जत को दांव पे ना लगाओ। आपके परिवार की इज्जत आपकी बेटी थी, अब वो इस दुनिया से जा चुकी है। कम से कम आप उसके खूनी को पकड़ने में पुलिस की मदद तो करो। जी मुझे माफ कीजिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। वो उसकी मालकिन का ड्राइवर है जैद, वही उसको ब्लैकमेल करता था। क्या? लेट है अब। साँग, साँग, साँग। सच सच बता, सच सच बता, तूने सुष्मिता का कत्ल क्यों किया? मैंने कोई खून नहीं किया। तेरे खिलाफ हमारे पास सबूत भी हैं और तेरे खिलाफ हमारे पास गवाह भी हैं। सच सच बोल। नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया। लेट है अब। सच सच बोल। साहब सुष्मिता और मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी। हर महीने सुष्मिता अपनी सैलरी मुझे दे देती थी। उसकी सैलरी और अपनी सैलरी से मैं खूब ऐश करता था। फिर करीब 6 महीने पहले हमारी लड़ाई हो गई और हमारी दोस्ती टूट गई। साहब मुझे जुए की लत लग चुकी थी, इसलिए मैं उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसे ले लेता था। और तुम यहां तक गिर गए कि धीरे धीरे करके तुमने उससे 50,000 रुपए ले लिए? जी सर। फिर मैंने उस दिन सुष्मिता को कॉल किया और उससे पैसे मांगे, पर उसने पैसे देने से मना कर दिया। फिर मैंने उसे धमकी दी कि मैं तुझे मार डालूंगा, वो फिर भी नहीं डरी। और फिर क्या हुआ उसके बाद? साहब फिर अगले दिन सुष्मिता, पैसे दे मुझे। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, चला जा यहाँ से। देख मुझे पैसे दे दे, वरना बहुत बुरा होगा। क्या हो जाएगा, क्या कर लेगा तू? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? चला जा यहाँ से। सर, मैम, मुझे माफ कर दो, मुझे जुए की लत लग गई। मेरे ऊपर पैसों का कर्जा है, सुष्मिता ने पैसे नहीं दिए तो मैंने गुस्से में आकर उसे मार डाला। सर प्लीज मुझे माफ कर दो। किसी के कत्ल की कोई माफी नहीं होती, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो मिलते रहेगी। चलो, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो चलो चलो। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। हमने वर्ड को आजाद कर दिया, वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। गाइस हम बहुत कंफ्यूज थे कि बर्ड्स को आजाद करना है या नहीं, लेकिन हमने कर दिया। वीडियो देखने के लिए क्लिक किया।